आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो इस सौर्य भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। ये वो भूमि है, अगर आज मेरे जैसे कई लोगों को ईश्वर पूछ ले कि अगला जन्म कहीं लेना है कहां लेना है, तो मैं आंख मूंद कर कह सकता हूं महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर जन्म लेना। मुझे बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इतने बड़े जन समुदाय के सामने महाराणा प्रताप की जन्मभूमि पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मैंगलोर से आ रहा था, मेरा विमान थोड़ा लेट हो गया, सिक्योरिटी वाले वेटिंग रूम में ले गए, वेटिंग रूम में टीवी चालू किया, टीवी चालू कर देखा तो राहुल बाबा आ गए टीवी पर, और राहुल बाबा कह रहे थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। मैंने सबसे पहले देखा भाई दिन है या रात है जरा देखो, तो ऐसी ही दोपहरी धूप थी। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की मना ही नहीं है, सपने देखने चाहिए, मगर दोपहर में सपने देखने चाहिए क्या, बताओ भैया, देखने चाहिए? दोपहर में सपने देखने वालों को निराशा ही लगती है। अभी अभी सचिन पायलट भाषण देकर कह रहे थे, जरा हमें बताओ कि आपने राजस्थान के लिए क्या किया है। मुझे सचिन पायलट को जवाब देने की जरूरत नहीं है मित्रों, मैं उनको जवाब देने के लिए बंधा हुआ भी नहीं हूं, मगर ये चित्तौड़गढ़ की जनता जो है ना, ये जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, मालिक है। मैं जनता जनार्दन को जवाब देने आया हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राजस्थान को कितना मिलता था, क्या मिलता था? सोनिया गांधी की सरकार थी, राजस्थान को क्या मिलता था? राजस्थान को 13वां वित्त आयोग आया, राजस्थान को 13वें वित्त आयोग में 1,09,242 करोड़ रुपया मिला। मैं फिर से बताता हूं, जरा जोर से बोलो कितना मिला? 1,09,242 करोड़। जरा बोलो कितना मिला? अब ये सचिन बाबा हमें पूछते हैं कि क्या मिला। नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,580 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया है। 1,54,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम किया है। और ये हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद देश के किसान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए 129 योजनाएं लेकर आई। कि क्या लेकर आई है भाई, मैं इसको जोर से पढ़ता हूं, मेरे पास समय कम है, आपको जब लगे कि मोदी जी ठीक से काम कर रहे हैं आप ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से भैया? पढ़ू जोर से क्या? जरा और जोर से बोलो, पढ़ू क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, मेक इन इंडिया। भैया अभी तो 10 हुए, 10 में आपने ताली बजा दी। एक कांग्रेसी हमारा हिसाब मांगते हैं, 55 साल तक देश पर शासन किया आपने,
कुछ नहीं किया। हमने 5 साल के अंदर 6 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता, 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को शर्म से मुक्त कर सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी। 12 करोड़ माताओं को टीका लगाने का काम किया है। 13 करोड़ युवाओं को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 2 ही देश हुआ करते थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इसराइल। जिस क्षण ये सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, उसी क्षण वो दो देशों की सूची में 3रा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। बीमारू राज्य बनाकर रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को विकसित राज्य बनाया है। मित्रों, विकसित राज्य बनाया है। एक 5 साल का मौका राजस्थान की जनता और दे दे, 5 साल के अंदर हम राजस्थान को विकसित राजस्थान से समृद्ध राजस्थान बनाने की दिशा में ले जाएंगे। मित्रों, समृद्ध लोगों के पास मोबाइल है, सबके पास है ना, माताएं बहनें भी हाथ ऊपर करें जरा। अब मेरी सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को फोन करना है कि कमल के निशान पर बटन दबाना। 50 लोगों, भाई को, भाभी को, मामा को, मामी को, काका को, काकी को, फूफी को, फूफा को, बहन को, बहने को, पड़ोसी को, दोस्त को, करोगे क्या? करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताओगे? राजस्थान में भाजपा सरकार बनाओगे? 19 में मोदी सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? राजस्थान को समृद्ध राज्य बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।